Good morning, dear students. Today we are starting the social science lesson on a specific mode. For the long time, the videos of social science are not served due to some reason. But from today, I am fully committed to serve you videos continuously. I want your sincere attention to join the class on videos as we are lagging behind and want to finish syllabus on time. Prepare the summary of the lesson, write the question answer and thorough revision of both timely. जितना भी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे उसको आपको नोट्स बनाना है, क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखना है और मैं आपको कुछ की एलिमेंट्स दूंगा, डेफिनेशंस दूंगा, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात और स्टूडेंट्स, वीडियो के बाद आपको एक पीडीएफ प्राप्त होगा, उस पीडीएफ के अंदर आपको सिर्फ आंसर्स मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चंस आपको किताब में से देखना है, लिखना है और सुंदर अक्षरों में कॉपी में लिखकर उसको याद करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन 4, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। द फर्स्ट पेज ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द डेमोक्रेसी is of two types, direct democracy and representative democracy. What is direct democracy? Direct democracy क्या होती है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? Direct democracy is a form of government in which people collectively make decisions for themselves. प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह व्यवस्था है या direct democracy वह व्यवस्था है जिसमें लोग इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से हमारे अपने खुद के लिए वो लोग निर्णय लेते हैं। रेदर देन हैविंग देयर अफेयर्स डिसाइडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव, इसकी बजाय कि उनके प्रतिनिधि उनके लिए सरकार बनाए, वो लोग खुद अपने लिए सरकार चुनते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज क्लासिकली टर्म्ड प्योर डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड हैज प्रैक्टिस्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर 150 ईयर्स। स्विट्जरलैंड नाम का एक देश है, वहाँ पर लगभग 150 सालों से प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर लागू है। हाउएवर मोस्ट ऑफ अस वुड फाइंड द प्रैक्टिस क्वाइट डाउंटिंग। हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र थोड़ा सा कठिन है। डाउंटिंग मीन्स कठिन। श्योरली इट वुड लीड टू कैओस If it is a big nation, hence large nations like India, Australia, Canada, the United Kingdom and South Africa opt for representative democracy. यदि देश बड़ा होता है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस बड़े देश के लिए संभव नहीं है। जो बड़ा देश होते हैं जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इन साउथ अफ्रीका, इन सारे देशों के अंदर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मीन्स वहाँ पर प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि आगे जाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इन सारे देशों में, अपने देशों में यही है। हियर डिसीजंस आर मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फॉर दिस इट व्हाट वी मीन बाय डेमोक्रेसी टुडे एंड मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि ये लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का निर्माण होता है। की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेशन एंड द अकाउंटेबिलिटी, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इक्वलिटी एंड जस्टिस। पहला नंबर पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, मतलब हम लोगों को भाग लेना, पार्टिसिपेशन मतलब भाग लेना, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदाही तय होना, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इक्वलिटी एंड जस्टिस समानता और न्याय।
चलिए अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, जो की एलिमेंट्स का फर्स्ट वो है, उसके ऊपर हम लोग आते हैं। पार्टिसिपेशन मीन्स टेकिंग पार्ट इन, पार्टिसिपेशन मतलब क्या होता है, उसके अंदर भाग लेना, और बीइंग इन्वॉल्व इन या उसके अंदर शामिल होना। समथिंग से यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल फॉर सम रीजन, हाउ डू यू फील। मान लीजिए यदि आप अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में भाग नहीं ले पाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होगा, बुरा। बिल्कुल सही, उसी तरह से गवर्नमेंट के अंदर यदि कोई भाग नहीं ले पाता है या वो प्रतिनिधि नहीं चुन पाता है तो उसे बुरा लगना साफ सी बात है, स्वाभाविक है। इन डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड फॉर चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव टू द गवर्नमेंट। लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना, संपन्न करवाना बहुत, और प्रतिनिधियों का चुनाव करना ये बहुत आवश्यक अंग है। पीपल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस टू चूज देयर गवर्नमेंट। लोग चुनाव के माध्यम से, चुनाव में भाग लेकर उस प्रक्रिया को अपनाकर सरकार का निर्माण करते हैं। दिस इज डन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये पूरी प्रक्रिया हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग द्वारा संपन्न की जाती है। दैट इज ऑल सिटीजन्स हु आर एडल्ट्स, उसके अंदर जो सारे वयस्क लोग हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, जिनको मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जात पात से ऊपर उठकर, रिलीजन और सेक्स, धर्म और लिंग से ऊपर उठकर, हैव द राइट टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। उन सभी को मत देने का अधिकार है और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। इन इंडिया, भारत में दिस एज इज 18 ईयर्स, भारत में वोट देने का अधिकार 18 साल की उम्र के बाद मिलता है। द कैंडिडेट्स हु रिसीव द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वोट, वो व्यक्ति या वो प्रतिनिधि जिसको सबसे ज़्यादा मात्रा में वोट मिलते हैं, जितने भी वोट मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट जिस व्यक्ति को मिलते हैं, बिकम द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो चुना जाता है और वो अपनी सरकार बनाता है। यहाँ पर पहला पार्ट समाप्त होता, पहला प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। आप यहाँ पर आपके सामने सेकंड जो है पेज लेसन का वो आपके सामने है। अ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जो सरकार चुनी जाती है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है, एक निर्धारित समय के लिए होती है। भारत में ये समय 5 साल है। 5 साल के लिए हम लोग विधायक भी चुनते हैं और सांसद भी चुनते हैं। विधायक और सांसद आगे जाने के बाद अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं और अपने प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करता है, सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। अ गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड अ टर्म। 5 साल की टर्म होती है। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन। इस तरह सत्ता हस्तांतरित होती रहती है, सरकार हस्तांतरित होती रहती है नियमित चुनावों के माध्यम से। पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी गोज बियॉन्ड जस्ट टेकिंग पार्ट इन वोटिंग। दे हैव देयर पावर टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर ऑल इलेक्शंस। जो सरकार चुनी जाती है वो सरकार अपने किए गए समस्त कार्यों के प्रति जवाबदेह होती है। किसके लिए? जनता के प्रति। Accountability means being responsible for one's action. Accountability का मतलब होता है जवाबदेह होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए। The government is accountable for all its action to the people. जो सरकार है, जो government है, वो accountable है किसके लिए? For all its action, उसके सारे कार्यों के लिए, किसके प्रति? जनता के प्रति, to the people. टू द पीपल मीन्स जनता के लिए जवाबदेह है। किन के लिए? सारे कार्यों के लिए। कौन जवाबदेह है? सरकार। नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंट वेज ऑफ पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग इट्स टर्म। इफ द गवर्नमेंट बिहेव्स इररिस्पॉन्सिबिलिटी द सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर ऑप्शन ओपिनियंस
एंड क्रिटिसिज्म ऑन इट्स पॉलिसीज। यदि लोगों को ये लगता है कि वो सरकार के किए गए कार्यों से खुश नहीं हैं या उसकी लाई गई पॉलिसीज से वो लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, मतलब वो अपने विचारों को बता सकते हैं, बोल सकते हैं और क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, मतलब उसकी आलोचना कर सकते हैं। एंड दिस इज डन बाय टेकिंग पार्ट इन प्रोटेस्ट मार्च, सिग्नेचर कैंपेन, रैलीज एंड स्ट्राइक्स। वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपने आलोचना कर सकते हैं। किन चीज़ों के माध्यम से लोग अपनी आलोचना कर सकते हैं? प्रोटेस्ट मार्च के माध्यम से, सिग्नेचर कैंपेन मतलब हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, रैलीज निकाल कर, स्ट्राइक मतलब या हड़ताल कर। लोग अपना सरकार के विरोध, यदि वो सरकार के पॉलिसियों से सहमत नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं उनकी नीतियों से, तो लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मार्च निकाल सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन हस्ताक्षर अभियान कर सकते हैं, रैलीज कर सकते हैं और हड़ताल भी कर सकते हैं। इसका संविधान ने लोगों को अधिकार दिया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिव्स पीपल दिस राइट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये अधिकार लोगों को प्राप्त है। सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे वॉज ऑन 5-day हंगर स्ट्राइक फॉर एंडिंग करप्शन। जो सामाजिक कार्यकर्ता है अन्ना हजारे, उन्होंने 5 दिन का आमरण अनशन किया था सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ। कब किया था? अप्रैल 2011 में। When a government does not perform well, कब, किस लिए किया था? यदि कोई सरकार अपना कार्य ठीक से नहीं करती है, its tenure comes to end even before its term of 5 years is over and re-elections are held. These elections are called mid-term election. यदि कोई सरकार अपनी लोकप्रियता खो देती है तो यह भी विकल्प मौजूद है कि वापस से चुनाव करवाया जाए, जिसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। यदि सरकार के खिलाफ बहुमत साबित नहीं कर पाती अपने कार्यों के लिए, अपनी पॉलिसीज के लिए, अपनी नीतियों के लिए, तो जनता के पास ये अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ उठाए और उसके माध्यम से मिड टर्म इलेक्शन कराकर सरकार गिरा भी सकती है। सरकार गिराने के बाद मिड टर्म इलेक्शन भी संभव है। पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो सार्वभौमिक आवाज़ होती है उसको सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। एज इट इज वाइडली पब्लिसाइज्ड बाय द मीडिया इन न्यूज़पेपर्स, ऑन टेलीविजन एंड ऑन रेडियो। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन अ वेराइटी ऑफ मैटर्स थ्रू द मीडिया एंड सिक पब्लिक ओपिनियन। द ओपिनियन दस एक्सप्रेस्ड देन फोर्स द गवर्नमेंट टू चेंज इट्स डिसीजन। यदि लोग किसी सरकार के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो उसका विरोध कर सकते हैं, अपने विरोध को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों के बीच में अपने विचार ले जा सकते हैं और उसके माध्यम से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। द गवर्नमेंट postponed signing a nuclear deal with the USA after there were protests from several quarters, dissatisfaction of people over inflation has also time and again forced the government to curb price rise and give rebates and subsidies. Today, we live in a cyber-savvy world and blogs and tweeters on the internet are the latest means of the people to form social network to share news and information with us. Through these social networks, they can form pressure groups to sway public opinion regarding the government. यदि लोगों को ये लगता है कि चुनी हुई सरकार उसके मंशा के अनुरूप, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सकती है, तो सारे लोग मिलकर जो साइबर सेवी वर्ल्ड है, जिसके अंतर्गत ब्लॉग लिखना, ट्वीट करना, इंटरनेट, ये सारे संचार के जो माध्यम हैं, इन माध्यमों का उपयोग कर सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, एक प्रेशर ग्रुप्स बना सकते हैं ताकि सरकार अपने गलत निर्णयों को वापस लेने के लिए मजबूर हो जाए।
रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। बहुत सारे कारण होते हैं सरकार से असंतुष्ट होने के या विवाद होने के या असहमति होने के। व्हेन नेचुरल रिसोर्सेस लाइक लैंड, वाटर एंड पेट्रोल आर स्केयर एंड डिमांड फॉर देम इज बिग, इट कैन गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट्स। यदि मांग और पूर्ति में अंतर है, मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, तो स्वाभाविक सी बात है भाव बढ़ेंगे और भाव बढ़ने के कारण कहीं न कहीं असहमति आएगी। एट टाइम रिलीजियस सेलिब्रेशंस एंड प्रोसेशंस। यहाँ पर हमारा सेकंड पेज समाप्त होता है, तीसरे पेज पर हम लोग आएंगे। थर्ड पेज ऑन योर स्क्रीन। एट टाइम्स रिलीजियस सेलिब्रेशंस एंड प्रोसेशंस ऑल्सो लीड द कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर इंटेंस। जो धार्मिक त्यौहार होते हैं ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने में मददगार होते हैं। इफ एनी प्रोसेशन इज कैरिड ऑन बाय एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, द पुलिस इज सपोज्ड टू सी दैट इट हैपन्स पीसफुली विदाउट एनी वायलेंस और हर्टिंग एनी अदर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। यदि किसी धार्मिक समूह द्वारा अपनी रैली निकाली जा रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, मार्च किया जा रहा है, तो पुलिस से ये उम्मीद की जाती है कि वो इस पूरी रैली को शांतिपूर्वक बिना किसी हिंसा के और बिना किसी अन्य धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को हनन किए बिना ये रैली निकले। Our constitution has given its people the right to peacefully demonstrate their displeasure with the government's policies। लोगों को ये अधिकार दिया है हमारे संविधान ने कि वो शांतिपूर्वक अपनी बात, अपना विरोध कर सकते हैं सरकार के सामने और सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि वो अपनी पॉलिसीज को बदले। However, at times conflicts may involve violence and destructions and affect peace and security of the people। कई बार रैली के दौरान हिंसा या वायलेंस होती है जो लोगों की शांति और उनकी जो सिक्योरिटी है उसको प्रभावित करती है। देन द पुलिस इज ब्रॉट इनटू एक्शन टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स। तब पुलिस का हस्तक्षेप होता है उस सारी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। एट टाइम्स व्हेन द मैटर्स टेक अ टर्न फॉर द वर्स द आर्मी इज ब्रॉट इन। पुलिस यदि इन सब को नियंत्रित करने में असफल रहती है तो सेना को बुलाना पड़ता है। द पुलिस एंड द आर्मी डू नॉट अलाउ ग्रुप्स टू फॉर्म मॉब्स एंड इंडल्ज इन राइटर्स एक्टिविटीज लाइक ब्रिक बेटिंग एंड बर्निंग व्हीकल्स। जो पुलिस और आर्मी आती है वो लोगों को इकट्ठा होने से रोक सकती है और उनको झुंड बनाने से, इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने से, हिंसा करने से, पथराव करने से और वाहनों में आग लगाने से रोक सकती है, रोकती है। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इम्पोज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड क्लैमिटी, पीरियड्स ऑफ सिविल अनरेस्ट एंड सिचुएशंस ऑफ इंटरनेशनल और इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। सरकार जो होती है ऐसे हिंसा के समय, वायलेंस के समय इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकती है। किन चीज़ों के लिए? जब मैनमेड क्लैमिटी हो, पीरियड्स ऑफ सिविल अनरेस्ट हो, या जब इंटरनेशनल या इंटरनल जो आर्म फोर्सेस होती है उनको ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत हो कि अनरेस्ट फैल सकता है, गृहयुद्ध हो सकता है, उस स्थिति में सरकार इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इज द डिक्लेरेशन बाय द गवर्नमेंट दैट मे सस्पेंड द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स। इमरजेंसी के समय इन सारे हमारे प्रतिनिधियों के, हमारी विधायिका के और हमारी जुडिशरी के अधिकार सीमित हो जाते हैं, उनके अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है। यहाँ पर सेकंड पेज समाप्त होता, थर्ड पेज समाप्त होता है, हम लोग फोर्थ पेज की ओर आएंगे, लास्ट पेज की ओर। इक्वलिटी एंड जस्टिस। अनदर की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स।
जो लोकतंत्र है उसका एक मुख्य अंग है समान न्याय और समानता। न्याय और समानता का अधिकार सारे मूल निवासियों को या निवासियों को मिले, ये संविधान हमारे लिए व्यवस्था करता है। इन डेमोक्रेसी ऑल आर ट्रीटेड इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स रिलीजन कास्ट रेस लैंग्वेज और सोशल स्टेटस। जो संविधान होता है, जो लोकतंत्र के अंदर संविधान होता है, वो संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम सबको बराबरी का अधिकार मिले बिना किसी जातिगत भेदभाव के, लिंग भेदभाव के, जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, भाषा से या हमारी सामाजिक परिस्थिति से ऊपर उठकर एक साथ एक जैसा व्यवहार करने का हमको लोकतंत्र अधिकार देता है। India's earlier society treated a section of people who worked in unclean occupations as polluting people and considered them untouchables, i.e. forbidden to be touched. पहले के समय में जो पहले की हमारी सोसाइटी थी उसके अंदर एक तबका ऐसा था जिसके साथ अनटचेबिलिटी का या छुआछूत का व्यवहार होता था, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिखा है। फॉरबिडन टू बी टच्ड, द अनटचेबल्स हैड ऑलमोस्ट नो राइट्स इन द सोसाइटी। जो अछूत हुआ करते थे, जिनके साथ इस तरह के जो समूह हुआ करता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था समाज द्वारा। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, उनको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। टेक वाटर्स फ्रॉम द सेम वेल्स यूज्ड बाय अदर्स एंड वर कंपेल्ड टू सिट एट द डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट इन पब्लिक ओकेजंस। उनको उन जगहों से पानी पीने की या पानी लेने की अनुमति नहीं थी। जब सोशल गैदरिंग हो तब उनको दूर बैठाया जाता था। ऐसा पिछले मुगलों के समय में 100-150 वर्षों के इतिहास में कुछ वंचित तबकों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। अनटचेबिलिटी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल इन 1949। जो छुआछूत है उसको इलीगल किया गया। ये जो असम्मानजनक व्यवहार है इसको संविधान ने 1949 में असंवैधानिक करार दिया। The Constitution has made special provision, संविधान ने कुछ special provisions, कुछ अधिनियम इन लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए हैं। For the welfare of the downtrodden, उन लोगों के साथ जिनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, अस्पृश्यता हुई है, जिनको ऊपर आने के मौके नहीं मिल पाए हैं। For the welfare of the downtrodden, सीट्स आर रिजर्व्ड फ्रॉम देम इन पार्लियामेंट, उनके लिए संसद में भी कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स इन द फॉर्म ऑफ SC/ST एंड OBC कोटा, सभी संसद में, सभी शैक्षणिक संस्थाओं में और गवर्नमेंट के सारे विभागों में पद आरक्षित किए गए हैं इनकी विभिन्न श्रेणियाँ बना के। उन श्रेणियों का नाम है SC/ST एंड OBC। SC means Scheduled Caste, ST means Scheduled Tribe और OBC means other backward classes. There is discrimination in our society on the basis of gender as well. हमारे समाज में लैंगिक आधार पर भी भेदभाव होता है, जैसे महिला और पुरुष। पुरुष के अधिकार ज़्यादा माने जाते हैं हमारे समाज में, महिलाओं के अधिकार कम माने जाते हैं। For some reason or the other, the practice of killing the girl child after her birth still prevails. हमारे समाज में आज भी भ्रूण हत्या में बहुत सारी जो गर्ल चाइल्ड होती है उनको असमय मार दिया जाता है, उस पर भी रोक लगी। The traditional system of the female infanticide has now given way to the more modern techniques of the sex selections and female feticide, i.e. killing of the girl child inside the womb. यहाँ पर यही बताया गया है कि भ्रूण हत्या पर भी जो बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया है उस बच्चे को भी गर्भ के अंदर मारने की परंपरा रही है, इस पर रोक लगी है।
द पैरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स PNDT प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 के अंतर्गत इन सारी चीज़ों पे रोक लगी है. प्रिवेंशन सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द पालना. सरकार ने अभी एक नई योजना लागू की है जिसका नाम है पालना प्रोजेक्ट, विच इज अ क्रेडल स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड, जो कि एक मील का पत्थर है महिला जो गर्ल चाइल्ड है उसको बचाने के लिए. अंडर द प्रपोज्ड स्कीम द गवर्नमेंट प्लान्स टू ओपन अ सेंटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट. इसके अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक जिले के अंदर एक सेंटर बनाया है. द पेरेंट कैन लीव देयर गर्ल चाइल्ड हियर इफ दे डू नॉट वांट टू रेज हर. वो अभिभावक जिन्हें ये लगता है कि वो अपनी गर्ल चाइल्ड है जो लड़की है उसकी देखभाल उसका पालन पोषण वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो वो उस सेंटर पर जाकर अपने गर्ल चाइल्ड को वहाँ पर हैंडओवर कर सकते हैं. दिस हैज़ रिड्यूस्ड फीमेल इन्फेंटिसाइड. द स्टेट ऑल्सो गिव्स फ्री स्कूलिंग टू द गर्ल्स टिल अ सर्टेन स्टैंडर्ड. यहाँ पर शासन ने एक योजना भी लागू की है जिसमें लड़कियों को एक निश्चित सीमा तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है, मुफ्त शिक्षा मिले. इन सम स्टेट्स पेरेंट्स आर पेड मनी बाय द गवर्नमेंट फॉर सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल. फर्दर टेकिंग डाउरी एंड चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन मेड इलीगल इन इंडिया. दो कदम और आगे बढ़ के सरकार ने जो दहेज प्रथा है और जो बाल विवाह था इसको भी आगे बढ़ के रोका है ताकि महिला सुरक्षा संभव हो सके. प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू द माइनॉरिटीज इज द हॉलमार्क ऑफ द डेमोक्रेसी. लैंगिक आधार पर असमानता को दूर करना और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की संरक्षा करना भी संविधान का मुख्य अंग है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन 5 रिलीजियस ग्रुप, नेमली मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड पारसीज, द ऑफिशियल स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज. द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड गिवन देम सर्टेन प्रिविलेजेस टू. यहाँ पर सरकार ने 5 धार्मिक समूहों को अल्पसंख्यक माना है जिनके नाम है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसीज. इसके अंतर्गत बेटा अभी एक नाम और शामिल हो गया है बच्चों, जैन. जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड गिव्स देम सर्टेन प्रिविलेजेस टू. सरकार ने इनके अधिकारों की संरक्षा करना के साथ इनके लिए कुछ सहूलियतें भी दी है. दिस वे पीपल दैट बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव रिजर्व्ड सीट्स इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इवन इन द पार्लियामेंट. सरकार ने इन अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा, अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ सीट्स शैक्षणिक उसमें, कॉलेजेस में और संसद में भी सुरक्षित रखी हैं. तो बच्चों यहाँ पर ये लेसन 4 जो है वो समाप्त होता है. की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इसके क्वेश्चंस आपकी किताब में अवेलेबल है. आंसर्स आपको सारे PDF के रूप में प्राप्त हो जाएंगे. आप अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए, अच्छे अक्षरों में लिखिए, याद करिए और की पॉइंट्स को रिवाइज करते रहिए.